देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन को समझना होगा। वी हैव पावर, वी हैव गवर्नमेंट इन सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली हैव ए गवर्नमेंट और लेड बाय मिस्टर अरविंद केजरीवाल सर। सो अरविंद जी बहुत अच्छे, एक अच्छा राजनेता है, आई एक्सेप्ट, और उनके साथ मुझे भी काम करने का अनुभव है। इज डूइंग वेल, वो चाहेंगे तो सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाता है, और उनको दूसरे को खुश करके भी काम लेना आता है। तो उनकी जो काबिलियत है तो उसको मैं स्वीकार करता हूँ। आज दिल्ली की जनता उनसे बहुत ढेर सारी उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों को उन्हें खरा उतरना है। अब जो केंद्र की बात है, केंद्र ऑक्सीजन की दिक्कत दिल्ली में ना हो इसके लिए पहले से सुनिश्चित कर चुकी है, उनको ऑक्सीजन में प्रोवाइड कराया जा रहा है। जो भी हेल्प केंद्र की तरफ से बंद पड़ता है वो हो रहा है, और आज जरूरी ये है कि हम लोग राम लक्ष्मण की जोड़ी की तरह काम करें। उनको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना राम मानना पड़ेगा, और वो एक लक्ष्मण बन के दिल्ली में काम करें, और कोई किसी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, केंद्र उनको हेल्प करे। जो हम दिल्ली के अंदर जो समस्याएं देख रहे हैं, मेरे मित्र को मैं बताना चाहूंगा, वो समस्याएं ये हैं कि कुछ लोग, तथा कथित लोग, चूंकि एक्चुअली दिल्ली की प्रथा, कल भी मैंने बोला था कि मित्र मित्र को ही ठगता है। अगर कोई एक रेफरेंस देता है तो कहता है कि मुझे एक मेडिसिन चाहिए, तो दूसरे को बोले मैं तेरे को रेफरेंस दे रहा हूँ, इसको 2,000 का दवा देना, 1,000 मेरे अकाउंट में डाल देना। तो इस तरह की जो मनोवृत्ति है उससे मिलके लड़ना होगा हम लोग को, केंद्र को भी लड़ना पड़ेगा, राज्य को भी मिलके लड़ना पड़ेगा, ताकि जो दिल्ली की समस्या जो दिख रही है, टेलीविजन पे दिख रही है, ऐसी है नहीं। अगर मूलभूत आप देखें तो सतेंद्र जी 24 घंटा काम कर रहे हैं, मित्र कह रहे हैं हमारे, हमारी हम लोग भी, हमारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का हर व्यक्ति 24 घंटा काम कर रहा है। तो राजनीतिक कार्यकर्ता तो राष्ट्रभक्त है, अब जरूरी है आम जनता जिन्होंने वोट दे के विधायक चुना, मुख्यमंत्री बन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से हम बने, या प्रधानमंत्री कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बने, अब आम जनता के भी है कि कोई 10 रुपये की चीज 100 रुपये में ना खरीदे, उसको थप्पड़ मारे, उसपे कॉल करे 100 नंबर को, पुलिस को हिदायत है, पुलिस उसको पकड़ के जेल में डालेगी, करते तो हम ही है ना। और ये चोरी पकड़ी इसलिए नहीं जा सकती, श्वेता जी देखिए आप तो लाइफ कोच है, इंसान के नियत में अगर हम दोनों लोग बैठे हुए हैं, सपोज हम 4 लोग बैठे हुए हैं, और मेरे मन में कोई किसी के नियत के प्रति खराब हो नियत, तो कैसे आप समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति जो सामने वाला बैठा है वो खराब नियत लेके मेरे साथ बैठा हुआ है। तो पहचान पाना बहुत मुश्किल, और ऐसी स्थिति यहाँ बनी हुई है। वो पड़ोसी ही है जो आपको ठग रहा है, वो आपका रिश्तेदार ही है जो आपको ठग रहा है, वो आपका मित्र ही है जो आपको ठग रहा है, वो कोई जानने वाला ही है। अब उसकी नियत को आप कैसे भापेंगे? वो तो इसलिए आपको इतनी जरूरत बता दे रहा है कि अगर इंजेक्शन की जरूरत नहीं तो इंजेक्शन खरीद के रख लो। अभी क्या हुआ, ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत नहीं है, किसी के यहाँ कोरोना नहीं हुआ, ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद के रख लो भाई, बाजार से ऑक्सीजन सिलेंडर गायब हो गया। मेडिसिन है, ये कोरोना की मेडिसिन है, ऐसा करो 6 लोगों 6 खेप खरीद के रख लो। तो ये जो मानसिकता, इस मानसिकता से हम लोग को मिलकर लड़ना होगा। और दिल्ली जो है बहुत अच्छी दिल्ली है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, वो बहुत शालीन है, लेकिन कुछ तथाकथित 2-3% लोगों की वजह से अरविंद जी को भी सुनना पड़ता है, हमें भी सुनना पड़ता है, हम सब लोग को सुनना पड़ता है। तो लेकिन ठीक है, आलोचनाएं करनी चाहिए, आलोचना इसलिए करनी चाहिए कि मित्र मित्र की आलोचना नहीं करे, या आप ऐसे आलोचना ना करें कि निंदक नियरे राखिए जामे कुटुम छवाए, तो फिर अच्छी बात नहीं है। और राजनीतिक पार्टियां ये चीजें सीखती हैं, उनको तो अपनी कमियों को बताने वाला कोई ना कोई होना चाहिए, ताकि सत्ता में भी आके उनके पास अहंकार ना आए, उनके पास विनम्रता बनी रहे, और जनता उनको उतना ही प्यार करे जो सत्ता में आने से पहले उनका प्यार था। तो वो घटना नहीं चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र दिल जीतने का नाम। तीसरी जो यहाँ पे जो बड़ी समस्या है, वो समस्या ये है कि अभी सिर्फ कोविड 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 चल रहा है, हमारी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके ऊपर हम लोग का ध्यान नहीं है, हमें कैंसर से पीड़ित हमारे रोगी हैं उन पे ध्यान नहीं है, अब आप शुगर पेशेंट हैं काफी, उन पे ध्यान नहीं है, सारे हॉस्पिटल जो है कोविड 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 कर रहे हैं, इवन डॉक्टर भी कोविड कोविड कर रहे हैं उनको, और मरीजों की चिंता नहीं है। तो हमें जरूरत है कि अपनी माँ बहनों की चिंता हम जरूर करें, बहन बेटियों की चिंता जरूर करें, क्योंकि अगर एक शिक्षित समाज तभी बनेगा जहां माँ बेटी जो है सुरक्षित हो, और अपने को कहते हैं ना कि महसूस करे कि हाँ उसके लिए कोई है। इस तरह की परिस्थितियां आई हैं, क्योंकि इस वातावरण में देख रहा हूं कि कभी किसी सड़क के किनारे, रोड के किनारे, और ये दिल्ली में ही नहीं, और जगह भी हो रहा है, और भी स्टेट में हो रहा है, जहां हमारी सरकार है वहां भी हो रहा है। तो हम सभी सरकारों को ये जरूर चिंता कर लेनी चाहिए कि और तरह की दिक्कत हो,
पांचवी जो बात है, हम लोग अभी थोड़ा सा हम शिकायत है सत्येंद्र भाई से। पिछली बार आपने राशन बांटा, पिछली बार लोगों को आपने खूब खाना खिलाया, भोजन भी दिया, अरविंद भाई आ बोले, दवाई भी बांटी, आपका मोहल्ला क्लिनिक भी अच्छा चल रहा था। अभी अचानक इन सभी अच्छी बात विषयों है को जटा जी, रिचार्ज करने की अच्छी आवश्यकता है, बात है। देखिए ताकि आपने मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से लोग जो है ये कोविड की छोटी छोटी जो दवाइयां हैं उसके लिए भटके ना और उनको प्रॉपर मिल जाए। अभी दिक्कत यही है कि डर काफी लोगों में बना हुआ है, और हमें थोड़ी सी वो नॉर्मल सर्दी जुकाम भी आ जा रही तो हम समझ रहे कोविड ही हो जा रहा है। तो प्लीज हम सब लोग ये हेल्प करें, और लोगों को तो हम सब लोग मिलकर जागरूक कर रहे हैं, जितना बन पड़ता है कर रहे हैं और करने की कोशिश है, प्रयत्न है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, मुझे बात अगर समाप्त करनी है तो विपिन जी आप चाहेंगे कि तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, सोचता हूँ देश की धरती आज तुम्हें कुछ और भी दूं। अगर कोई भी जिम्मेदारी राज्य सरकार चाहती है कि केंद्र सरकार को ये और लेना चाहिए, तो केंद्र सरकार पूर्णतः उसके लिए तैयार है। तीसरी जो बात है मन में बैर नहीं आने की, क्योंकि हमारा देश जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, अगर वो इस देश का अगर कोई हेड है तो वो है राष्ट्रपति। वैसे ही दिल्ली का हेड कॉन्स्टिट्यूशनल जो कोर्ट ने डिसाइड किया है वो गवर्नर है, राज्यपाल है। तो इसको भी आम आदमी पार्टी को स्वीकार करना चाहिए कि हमारा देश संविधान से चलता है और हम सबको संवैधानिक मर्यादा रखना चाहिए। और आने वाली पीढ़ी के लिए, सत्येंद्र भाई आप तो युवा हो, राजनीति में आए हो, हम सब अब नए युवाओं से लोगों को ये उम्मीद है कि ये युवा आने वाले लोगों के लिए आदर्श रखें, वो एक दूसरे को गाली न दें, एक दूसरे की बुराई न करें, एक लकीर के बगल में बड़ी लकीर खींची जाए, लोगों की आशाओं से बड़ी आशा तैयार की जाए और उन आशाओं को पूरा करने की कोशिश की जाए। और हमें लगता है कि ये आपको भी करना चाहिए, अगर हमारी लकीर बड़ी है तो उससे भी बड़ी लकीर खींचने की कोशिश होनी चाहिए। आलोचना के बजाय हम लोग एक दूसरे से जब भी मिले तो गले मिले और आंख मिला के मिले, ताकि कोई गिला शिकवा ना हो कि हमने भी देश के लिए जिया है और आपने भी देश के लिए जिया है। तो जब दो देशभक्त देश के लिए ही जी रहे हैं तो उनके बीच तो कोई गिला शिकवा नहीं होना चाहिए, उनके बीच भारत प्रथम देश प्रथम की भावना होनी चाहिए। और विपिन जी मैं आपको धन्यवाद इसलिए देना चाहूंगा कि आपने मुझे इस तरह का अवसर दिया कि मैं जहाँ पे अपने भाइयों से, अपने मित्रों से और जो लोग साथी सुन रहे हैं उनसे इस तरह के विषय पे विचार रखने का अवसर मिला। ज्यादातर देखा जाता है जो जितने भी टेलीविजन चैनल हैं वहां इस तरह के जो विचार हैं अगर आप रखेंगे तो कहेंगे लोग कि भाषण दे रहे हैं, कोई विपक्षी प्रवक्ता कहता है कि नहीं आप तो बाबा बन गए, कोई विपक्षी प्रवक्ता तरह तरह की कटाक्ष करता है। तो सही चीज अब सुनने की हमें आदत डालनी पड़ेगी, ताकि अच्छी भावनात्मक रूप से जो भाव है व्यक्ति का वो निकलता है तो उसकी व्यक्ति से की पहचान होती है, व्यक्तित्व की उससे पहचान होती है कि ये व्यक्ति किस सोच का है। श्वेता जी जब बोलती हैं या कोई विषय रखती है तो मुझे खुशी होता है कि चलो एक घर की बेटी निकल के आई है और सामने इतनी बेहतर सोचती है, समाज की परिकल्पना उसके मन में है और वो सोच नहीं रही है, उसको पूरा करने के लिए आगे चली है। तो इससे अच्छी खुशी की क्या बात है कि हमारे घर की बेटियां अच्छा करें, अच्छा सोचें और उनके अंदर अच्छा भाव हो और हम सब लोग मिलकर उसका समर्थन करें। अगर मैं अच्छा कर रहा हूं तो आप तीनों मेरा समर्थन करिए, सतेंद्र भाई अच्छा कर रहे हैं तो हम तीनों उनका समर्थन करें, श्वेता जी अच्छा कर रहे हैं तो हमें एक दूसरे का पूरक बन जाना चाहिए और अपनी भूमिका समझनी बहुत जरूरी है। मैं बार बार कहता हूँ हम भारतीय सिर्फ एक ही तरह से दिक्कत है हम भारतीय, हमें सबको राम बनना है। जैसे एक फिल्म आती है सलमान खान की, उसमें अगर वो हीरो हो गया या सुपरमैन की कोई मूवी आ गई तो देश का सारा बच्चा सुपरमैन ही बनेगा। हम वो भूमिका नहीं करेगा कि सुपरमैन का छोटा वाला भाई बन जाऊं या और पीछे वाला ड्राइवर बन जाऊं, लेकिन वो सुपरमैन ही बनेगा। तो अच्छी बात है, अच्छी भाव होने चाहिए, लेकिन जरूरी है कि भावनात्मक रूप से हम लोग एक दूसरे का मदद करें, जुड़े रहें। ये ऐसा समय है कि पड़ोसी भी पड़ोसी को नहीं बता रहा है कि वो कोविड पेशेंट है। जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं वो मैंने आज कई जगह देखा है, मैं वहां गया हूँ, वो लोग 5 दिन, 7 दिन, 15 15 दिन से बीमार है, क्योंकि कई घरों में हम लोग खाना भी पहुंचाने का काम कर रहे हैं जो कोविड पेशेंट है। तो मैं देखा हूं कि वो लोग मेडिसिन जो है डॉक्टर से अभी तक मिले ही नहीं है विपिन जी, है ना, और मेडिसिन भी खा रहे हैं और कल को उनके साथ कुछ गलत होगा तो हु इज रिस्पॉन्सिबल। हमें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है विपिन जी, शर्म करने की जरूरत नहीं है, और जिसके जिसने किए शर्म उसके फूटे कर्म, हम भारतीयों के बहुत पुरानी कहावत है, हमारे यहाँ दादी ये बात कहती थी, बेटा बिल्कुल शर्म मत करना, सब कुछ मांग ले।